स्वामी नारायण ही नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जय के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों महाशिवरात्रि बहुत निकट है, इसलिए 18 फरवरी 2023 को महाशिवरात्रि व्रत है। तो शिव जी आशुतोष हैं, अवघरदानी हैं, श्याम सदा शिवाय, उनको तमाम बहुत ही अपने भक्तों प्रसन्न होकर के सब कुछ आशीर्वाद दे देते हैं। तो महाशिवरात्रि में यदि आपके पास कोई समस्या है, कोई परेशानी है, जैसे इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ, जो कारोबारी व्यक्ति हैं, व्यवसायी हैं, उनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान में घाटा हो रहा है, दुकान नहीं चल रही है, अथवा इनके किसी प्रकार उनका व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो उस व्यवसाय को कैसे पुनः स्टैंड किया जाए, कैसे धन धान्य से संपन्न किया जाए, कैसे व्यवसाय की गाड़ी को आगे बढ़ाई जाए जिससे परिवार का वातावरण सुखमय हो सके, इसलिए तो आपको इस शिवरात्रि पर, इस महाशिवरात्रि पर एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। इसको उपाय को करेंगे आप तो आपके कारोबार में जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो व्यापार में घाटा हो रहा है, जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, वो अपने आप धीरे धीरे दूर होते रहेगी। भगवान शिव कृपा प्राप्त होगी और आपका जो भी समस्या है वो दूर होने लगेगी। तो उसको साथियों क्या करना चाहिए आपको, तो साथियों पंचामृत हो, शहद हो अथवा घी हो, इससे आपको शिवलिंग पर लेप करना चाहिए। पंचामृत, शहद अथवा घी से पंचामृत पर लेप करना चाहिए और गंगा जल मिश्रित दूध से भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और क्या बोलना चाहिए उसमें जो है, ओम दारिद्र दुखम दहनाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यह मंत्र पढ़ते हुए आपको भगवान शिव को अभिषेक करना चाहिए और उसे प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमसे जो भी अपराध हुए हैं उनको दूर करें, व्यापार में जो हमारा घाटा हो रहा है व्यापार को हमारा मार्ग प्रशस्त कर दें और हमारी दुकान में बिक्री बढ़े, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, हमको धन धान की वृद्धि हो, ये सब भगवान से कल्पना करें, उनसे कामना करें, उनसे अनुरोध करें। तो भगवान शिव, जैसे मैंने बताया कि शिव अवघरदानी हैं, आप ही जानते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो साथियों यदि आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। और आपने हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।